गुजरात रे बात्या विपर्जय रचि जाइछि। प्रबल पवन रे कहार घर भांगिछि त आउ के निजर सर्वस्व हराइ सर्वस्वान्त होइछन्ति। अनेक गछ उपुड़ी पड़िथिबा बेले विभिन्न स्थान रे विद्युत सरबराह ठप होइ जाइछि। आउ एभलि स्थिति रे निजर ओडिसा गस्त बातिल करि गुजरात कच्छ रे बात्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करिछन्ति केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। आकाशमार्गरु बात्या प्रभावित अंचल बुली देखिबा सह क्षयक्षतिर आकलन करिछन्ति। साहंक सह गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मध्य स्थिति अनुध्यान करिछन्ति। पवन ओ वर्षारे सात जिलार 940 गाँ प्रभावित होइथिबा बेले हजारेरु अधिक गछ उपुड़ी पड़िथिबा सूचना मिलिछि। एबे भी शताधिक गाँवें बिजुली संयोग होइपारिनाही। एभलि स्थितिरे युद्धकालीन भित्तिरे पुनरुद्धार कार्य करिबाकु कहिछन्ति शाहा। बात्या ने भारतीय पाणीपागर सठिक आकलन और सरकार को पूर्व प्रस्तुति जो कौन से जीवन हानि होना केवल किसी लोक आहत हो चिकित्सित होता बेले डाक्तखाना भेटिंट केन्द्र गृहमंत्री। बात्या प्रभावित अंचल परिदर्शन पर वरिष्ठ अधिकारी गुरुत्वपूर्ण बैठक करते तेज 20 तारीख संध्या 6टा सुधा समस्त गाँव में विद्युत सेवा स्वाभाविक हो। कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लेकर गांव के पटवारी तक और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी संकटग्रस्त इलाके की जनता के सहयोग से कम नुकसान में आज इस साइक्लोन का सामना करने में हम सफल हुए। एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। सिर्फ 47 लोग 47 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो। और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। बिजली रोकी गई थी, उसमें से 1600 गांव में बिजली रिस्टोर कर दी गई है और मुझे विश्वास दिलाया है तंत्र ने कि 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक सभी के सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी।